Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज अपन जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक्सियल स्केलेटल। जैसे कि अपने पास जो स्केलेटल होता है उसके अंदर 206 बोन होती है, तो 206 बोन के अंदर उनका भी सब टाइप्स किया गया है। एक्सियल के अंदर आती है 80 बोन और अपने पास जो अपेंडिकुलर आती है उसके अंदर आती है 126 बोन। एक्सियल के अंदर भी क्या देखें कि एक्सियल जो पार्ट होता है उसके अंदर आते हैं, जैसे स्कल के अंदर आएंगे 29 बोन, एक होता है स्टर्नम, उसके बाद में देन आता है जो वर्टिब्रा होती है वो होती है 26 और रिब्स होती है 24। तो अपने पास कुल मिला के जो 80 बोन होते हैं वो आते हैं अपने पास स्कल के अंदर। ठीक है, कि जो स्कल के अंदर जो अपने पास रहेंगे वो वहां पे रहेंगे अपने पास 29 बोन। तो एक्सियल टोटल रहेगा अपने पास 80 बोन का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लेके चले कि जो ये अपने पास रह गए, ये अपने पास क्या है, एक स्कल है। स्कल के अंदर अपने पास रहते हैं 29 बोन्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट बोन आता है अपने पास जो रहेगी जो क्रेनियल बोन होती है 8। फेस के अंदर अपने पास रहती है 14 बोन। फेस के अंदर 14 बोन रहेगी, क्रेनियल बोन रहेगी जो 8 रहेगी, और जो ईयर के अंदर रहती है तो एक ईयर के अंदर 3 बोन होती है, तो दोनों साइड होगी तो 6 बोन होगी ईयर के अंदर, और एक होती है हायोड बोन। ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती है। तो सबसे बोन होगी अपने पास जो फ्रंट के अंदर अपने सामने ये चीज दिख रही है, ये होगी फ्रंटल बोन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ये होती है अपने पास पैरेटल बोन। पैरेटल बोन के जस्ट अपन पीछे की साइड लेके चलिए, ये होता है अपने पास ओक्सीपुट बोन। उसके बाद देन यहाँ पे आता है अपने पास साइड में टेम्पोरल बोन, जो कि दोनों साइड में होती है, बोथ साइड होते हैं जो टेम्पोरल बोन होते हैं। उसके बाद में आता है इसके जस्ट आगे स्पेनोइड बोन। स्पेनोइड बोन के जस्ट अब अपन आगे लेके चले कि जो अपने पास इथेमोइड बोन होती है, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड होती है आई के अंदर। ठीक है, तो वो होती है अपने पास इथेमोइड बोन। तो ये क्रेनियल बोन हो गए अपने पास 8 बोन हो गए। देन इसके बाद जो अपन फेस की बोन लेके चले, फेस के अंदर आते हैं अपने पास 14 बोन। 14 बोन के अंदर अपन नॉर्मली लेके चले कि जैसे कि फर्स्ट बोन जो अपने पास रहेंगी तो ये होता है अपने पास मैंडिबुल। मैंडिबुल के बाद में अपने पास रहेगा ये पोर्शन जो कि दो होती है मैक्सिला। मैक्सिला के बाद में अपने पास रहेगा ये होती है अपने पास साइड में जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक दोनों साइड में रहती है। ठीक है, देन उसके बाद में ये जो नेक की जो अपन लेके चल रहे हैं, जो नोज की अपन लेके चल रहे हैं, ये होती है वोमर। ठीक है, उसके बाद जो लैक्रिमल जो बोन होती है वो होती है जो आईज के जस्ट यहाँ पे, जैसे कि लैक्रिमल वगैरह जैसे आंसू वगैरह के लिए अपन नॉर्मली लेके चलते हैं, यहाँ पे लेगी वो लैक्रिमल बोन होती है। इसके बाद में जो पहले टाइम जो बोन होती है वो रहती है यहाँ पे नेक के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो दो होती है ये। ठीक है, क्योंकि अपने पास जैसे कि नेजल खोंचा वगैरह हो गया या नेजल बोन वगैरह हो गई ये, तो अपने पास कुल मिला के अपने पास फेस के अंदर अपने पास कितने भी 14 बोन इसके अंदर अपन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस के अंदर 14 बोन होगी और क्रेनियल होगी अपने पास 8 बोन। ईयर के अंदर अपने पता है कि जैसे MIS, वेलस, इंकस और स्टेपीज, तीन बोन होते हैं ईयर के अंदर। स्टेपीज जो कि स्मॉलेस्ट बोन पे अपन काउंट करते हैं, तो दोनों बोथ साइड, दोनों साइड ईयर के अंदर, दोनों ईयर के अंदर तीन तीन बोन होती है, जैसे मेलस, इंकस और स्टेपीज होगी तो 6 बोन ये होगी। तो अपने पास कुल मिला के यहाँ पे होगी 28। और एक जो अपने पास हाइब्रिड बोन होती है, जो अपने पास सिर्फ वो हाइब्रिड बोन जिसके अंदर काउंट होगी अपने पास स्कल के अंदर, स्कल के अंदर अपने पास टोटल भी 29 बोन। उसके बाद में जो रहता है, उसके बाद में अपने पास रहेगा ये होता है स्टर्नम, जो कि एक सिंगल बोन होती है। स्टर्नम के अंदर आप लोग पता है जैसे कि आप लोग जैसे नॉर्मली अपने को पता है कि जो स्टर्नम होता है जैसे फ्रंट अपन एंटीरियर पोर्शन के अंदर वहां पे रहता है। ठीक है, तो जैसे कि रिब्स वगैरह इससे कनेक्टेड होती है जो स्टर्नम से, तो अपने पास रिब्स कितनी होती है, अपने पास 24 रिब्स होती है। ठीक है, स्टर्नम सिंगल हो गया 29, स्कल के अंदर अपन ने देखी एक स्टर्नम अपने पास होगी 20, उसके बाद में 24 रहती है अपने पास रिब्स। ठीक है, तो जिससे कि ये अपने पास कितनी होगी 24 रिब्स होगी। रिब्स के बाद में अपने पास रहेगा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के अंदर आप लोग पता है कि नॉर्मली अपन वर्टिब्रा लेके चले तो वर्टिब्रा रहती है अपने पास 26। तो ये पोर्शन जो अपने पास रहेगा ये वर्टिब्रा टोटल अपने पास कितनी होती है 26 होती है। ठीक है, तो ये वर्टिब्रा होगी अपने पास टोटल 26। तो ऐसे करके अपने पास टोटल जो रहेगा वो अपने पास रहता है कि एक एक्सियल पोर्शन होता है उसके अंदर अपने पास आते हैं टोटल 80 बोन। जैसे कि अपने 80 बोन कैसे काउंट करें, 29 होगी स्कल के अंदर। स्कल के अंदर भी कैसे अपन ने देखा कि जैसे कि 14 बोन होगी फेस के अंदर, 8 होगी क्रेनियल जो बोन होगी, और 3 और 3 6 बोन होती है ईयर के अंदर, जो दोनों ईयर के अंदर प्रेजेंट रहेगी। एक ईयर के अंदर 3 बोन होती है और एक होती है अपने पास हाइब्रिड बोन।
देन उसके बाद मेरे पास होती है एक स्टर्नम, तो 29 तो होगी स्कल के अंदर, एक होगी स्टर्नम, अपने पास कितनी होगी 30 बोन होगी। देन उसके बाद जो कि एक वर्टिब्रा के अंदर होती है अपने पास 26 बोन, और इसके अंदर अपने पास उस वर्टिब्रा के बाद में आता अपने पास जो रिब्स होती वो होती 24 बोन्स। तो कुल मिला के अपने पास कितनी होगी यहाँ पे 80 बोन होती है जो एक्सियल पोर्शन के अंदर आती है। तो मैं एक बार एक फिर से ये चीज बता रहा हूँ कि जैसे कि 200 बोन होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसमें से एक्सियल के अंदर आती है अपने पास 80 बोन, और जो अपेंडिकुलर आती है वो होती है 126 बोन। एक्सियल के अंदर अपन ने ओनली फॉर आज जो देखा वो अपने पास है एक्सियल स्केलेटल, जिसके अंदर अपने पास टोटल अपने पास कितने बोन काउंट हुई यहाँ पे 80 बोन अपन ने काउंट करी। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।